हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू मेरे दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो भी अपने सारे के सारे टारगेट अचीव करता जा रहा है जो भी हमने सेट किए। जी हाँ, LNT भी बाकी शेयर्स की तरह अपने टारगेट्स को पूरा करता हुआ वहां तक पहुंच गया जहां हमने डिस्कस किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले सेशन मैंने बजाज ऑटो की बात की थी और आपको पुराने बहुत सारे वीडियोज मैंने दिखाए कि किस तरीके से हम लगातार शेयर्स को एनालिसिस उसका करते चले आ रहे हैं, लगातार उसके नए टारगेट्स बताते चले आ रहे हैं और बिल्कुल टाइम दर टाइम वो सारे के सारे टारगेट्स भी पूरे होते गए। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी आ गई लार्सन एंड टुब्रो की। इंडिया की अगर बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी जब भी लिखी जाएगी तो L&T का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में ही आएगा। सबसे बड़ी कंपनी और जो भी बड़े से बड़ा काम मिलता है भैया, लार्सन एंड टुब्रो उसके लिए हमेशा रेडी रहती है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी लार्सन एंड टुब्रो के काम पर विश्वास से उनको ही ऑर्डर दिए जाते हैं, राइट? और बिडिंग के थ्रू होता है, बिडिंग करते हैं तो भाई उसके अंदर भी जो है इनको हमेशा ज्यादा तरजीह मिल जाती है। तो कहानी ये है कि कम अमाउंट में बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट जब बना के दोगे तो भैया बिडिंग में आप ही जीतोगे, करेक्ट? सो लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो आज मैं आपके सामने, अगर चलिए लार्सन एंड टुब्रो के बहुत सारे हमारे वीडियोज हैं, मैं आपको ना सारे के सारे वीडियोज कुछ दिखाता हूँ आज, ठीक है? और ये कहानी कब की है डेट बता देता हूँ, ये 1 ईयर अगो, ये है 10 जनवरी 2022। तो ट्रेल हमारे पास चलेगी, ठीक है ना? उसके हिसाब से चलेंगे 10 जनवरी 2022, और ये उससे पहले की कहानी 17 अगस्त 2021। तो पहले हम पुरानी चीज़ देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर चलते चले जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये जुलाई 2023 की कहानी आ गई, और फिर ये बात आ गई सितंबर 2023 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में भी बहुत सारी कुछ वीडियोस आएंगी, लेकिन यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स है मैंने बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन किया है ताकि आप भी ये सब सीख जाएं और टाइम दर टाइम वो शेयर कैसे चलेगा माय डियर फ्रेंड्स वो आप सीख पाएं। सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स के लिए आपको हमारा ये डाउनलोड करना पड़ता है ऐप, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? किसी भी तरह की शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, कोई टिप नहीं होती, यहां पर सीधा एनालिसिस सिखाया जाता है। उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से, अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, यही हमारा सिखाना है सारा का सारा काम। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको ले चलता हूं अपनी उस पुरानी वीडियो पर जो 2021 में हमने ये वीडियो बनाई थी, ये है 17 अगस्त 2021। आइए जरा कुछ बातें सुनते हैं, आपको पूरी की पूरी जब ये हिस्ट्री मालूम होगी कि हम किस तरीके से इसे एनालिसिस कर रहे थे इसके, तो आपको वो सुनकर भी अच्छा लगेगा कि हमने किस समय क्या सोचा था और आज हम कहाँ पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है जब ये शेयर 1600 के आसपास चल रहा था, ठीक है जी? तो हमने क्या बात की थी, आइए कुछ सुनते हैं। के आसपास का आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा और इसको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये लगभग, यहां तक मान के चलिए लगभग 50%, 48% के आसपास, 50 ही समझिए। तो यहां से उस समय जब ये शेयर 1655 चल रहा था तो 2450 का टारगेट दे दिया था, यानी उस रेट से लेकर 48% के टारगेट दे दिए गए थे, राइट? ये बहुत पुरानी वीडियो है लेकिन वहां से आप सोचिए कि कैसे जर्नी जो है आगे चली। और सीधी रेखा में शेयर कभी ऊपर जाते नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये पेट लाइन है भैया हमारी, हमेशा ऊपर जाएंगे फिर नीचे करेक्शन करेंगे, हेल्दी करेक्शन करेंगे फिर ऊपर चल पड़ेंगे। पेशेंस की गेम है माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस की गेम, राइट? तो ये हमने यहाँ पर टारगेट 1800 के रखे थे कि जल्दी से जल्दी 1800 पहुंच जाएगा, 2450 पहुंच जाएगा, ठीक है? ये सारी बातें हमने यहाँ की थी। मैं अब दूसरी वीडियो पर चलता हूँ जो बाद की वीडियो है, और जब ये 1800 का टारगेट आप देख रहे हो, ये जो हमने यहाँ सेट किया था ये पूरा हो गया जल्दी से जल्दी, तो हमने फिर 1953 तक आके, मतलब 1900 उससे पहले इनफैक्ट ये पूरा हो चुका था टारगेट, कुछ ही महीनों में ही हो गया था, ठीक है ना? वहां से भी करेक्शन हुई फिर ऊपर चल पड़ा, हमने इसकी वीडियो फिर दोबारा बनाई और एक शॉर्ट टर्म टारगेट वहां पर बताया। ट्रेंड लाइन की बात करूं, ये जो ऊपर वाली जा रही है, हो सकता है 2200 पे जाके नीचे आए, हो सकता है 2150 के आसपास आके नीचे आ जाए।
तो यहां पर हमने बीच का एक टारगेट बनाया था, 2450 का टारगेट जो पहले बनाया हुआ था वो इंटैक्ट था, लेकिन कुछ महीनों बाद हमने कहा भाई ये तो अचीव 1900 भी पहुंच गया, 1800 का टारगेट शॉर्ट टर्म था लेकिन वो पूरा इसमें हो गया, नीचे और उसके बाद नीचे आके अब फिर ऊपर चलने लगा, तो हमने उसको एक मिड टर्म टारगेट निकाला कि अब देखो 2100 के आसपास जाएगा। आके जाना ऊपर ही है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो 2450 2480 का जो टारगेट है, मुझे नहीं लगता कि उसको उसको पूरा होने में ज्यादा देर या ज्यादा समय लगाएगा। तो ये जो कहानी थी ये तब की थी जब ये 1800 के टारगेट पहले पूरे हो गए, दोबारा से रिट्रेस करके करेक्शन करके फिर ऊपर चल पड़ा, और यहां से हमने 2100 का टारगेट बीच वाला बताया, फिर 2400 का टारगेट दोबारा यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। करेक्ट। तो यहां से अब मैं चलता हूं और अगले वीडियो पर, फिर उसके बाद क्या बात हुई। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन आपको यहां पर नजर आ रही है, ये जो मैंने यहां ड्रॉ की है, ये समझ लीजिए कि ये एक ये वो पोजीशन है जहां पर ऑलरेडी 2600 पहुंच गया, यानी 2400 के टारगेट अचीव हो गए थे। इसी वीडियो में 2400 वाली भी सारी फिगर्स आएंगी। ठीक है, यानी बीच में एक वीडियो मैंने नहीं लिया, बट उसके बारे में डिस्कशन भी यहां होगा। फिर उसके बाद ये 2400 यहां पर पहुंच गया, जैसे ही हमने बात की कि 2100, देखो यहां पर दिख रहा है 2100, 2100 पहुंच गया। इसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करता करता ये 2400 पहुंच गया, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके आगे हमने जो टारगेट दिए थे 2600 पहुंच गया, इसके बाद भी टारगेट हमने 3000 के दिए और 3200 के दिए, वो सब देखते हैं आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वहां एनालिसिस हुआ, और ये सारी वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल है माई डियर फ्रेंड्स। ये कैसे सीखा जाता है ये सब हमने अपने सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स में डिटेल में सिखाया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन ये मत सोच के आ जाना कि कोई सर से टिप मिल जाएगी, ये शेयर खरीद लो वो शेयर खरीद लो, भैया इस तरह का कुछ यहाँ पर काम नहीं होता। तो सोच समझ के आना, यहां पर जब आपने आना है तो सीखने के लिए आना है, कोई टिप वगैरह यहां पर मिलने वाली नहीं है। किसी भी तरह का ये नहीं कि यहां अकाउंट खुलवा लो उसकी कमीशन ले लो, ये ड्रामेबाजी हम यहां पर नहीं करते हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड, अगर ये प्योर एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो समझने वाला जो खेल है वो हमारे साथ आप खेल सकते हैं। जीवन भर अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाएंगे। एक रेजिस्टेंस थी ऊपर चढ़ने वाली, उस रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे उससे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पर कैंसिल किया, ठीक है जी, उसको तोड़ के ऊपर निकल गए और सीधा इसको छू लिया। अब क्योंकि ये वाला एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है, अगर तो यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और इस ट्रायंगल के अंदर ही रहता है तो यहां से एक बार फिर से ब्रेकआउट मिलेगा। और ये जो आप ऊपर ब्लू लाइन देख रहे हो, जो मैंने एक बड़े समय का ये जो रेजिस्टेंस के लिए लाइन यहां पर लगा रखी है, आ जाओ मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। शानदार तरीके से ये सीखने वाली चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन चीजों को ढंग से सीख लिया तो जीवन में तरक्की तरक्की करेंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है ना ड्रामेबाजी की कि ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो, ये सारी ट्रेडिंग की कहानियां हम नहीं कराते। ठीक है, ये फालतू के भी ट्रेडिंग करो ये सारी चीजें नहीं सिखाते हम। सिखाते हैं प्योर एनालिसिस और इन्वेस्टिंग के तरीके। ठीक है, उसके बाद डिसीजन अपने आप लो। कोई ऐसे अकाउंट ओपनिंग नहीं करवाएंगे आपके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही थी बीच में ये। ठीक है, कि ये कर लो ट्रेड कर लो बेच लो खरीद लो, ये काम कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही यहां से निकलेगा यहां पर एक नया पैटर्न बनेगा, उस नए पैटर्न के साथ आपको यहां पर ये इस ब्लू लाइन को छूता हुआ नजर आएगा और 3000 पहुंच जाएगा। अब यहां पर बात हुई कि 3000 पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां से हमने 3000 का टारगेट दिया था। का जो आने वाला जो रेट है वो 3000 है, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बोल ही दिया था कि अगले 3 साल में डबल होने वाला है पैसा। तो वहां पर हमने 3 साल की बात की थी, उस टाइम 2300 था रेट। ठीक है, ये बीच वाला वीडियो भी है। और उस समय जो रेट था वो क्या बोला था, उस दिन के हिसाब से, ठीक है ना, वहां के हिसाब से क्या था, एक बार सुन लेते आइए। अचीव हो जाए तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो 2677 को 2700 बोल दीजिए, 2650 बोल दीजिए, 2650 से लेके 2700 का टारगेट, तो हम यहां से लेके वो अचीव हो गया आज 50 से वाला। 9 महीने, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज के रेट से, अभी करंट रेट मार्केट चल रही है, तो 16% का टारगेट तो यहाँ भी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमने 2600 की बात की हुई है, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए कि क्या बोलूंगा। 16% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है, जिसके लिए 9 महीने का समय दिया था, 9 से 12 महीने का, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी डन विद इन 3 मंथ्स। अब अगली बात, 16% का टारगेट हमारे पास जल्दी आएगा, और
अगर ये बहुत जल्दी अचीव हो गया, अगले 3 महीने में अचीव हो गया, ये देखिए तो फिर वहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा। ये लीजिए, ये सेम बात जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि अगले 3 महीने में अचीव अगर हो गया, वो जो हो चुका है, तो माय डियर फ्रेंड्स अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो सकती है। लेकिन आज जो मैं उस पर्टिकुलर चार्ट को देखता हूँ तो वहां से एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये उसके अंदर समय बिता के ऊपर निकला तो ये 3000 भी पहुंचेगा। लेट अस चेक, ठीक है ना? तो ये टारगेट्स क्या होते हैं, या तो समय बिताएगा और एकदम पहुंचा देगा पूरे के पूरे 16%, और खाली 16% नहीं जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा, 20% के आसपास इसने जाना है, राइट? तो अब कहानी यहां पर ये आ जाती है कि अब इसके बाद क्या मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, दिल धाम कर बैठ जाइए, जो बात बोलने वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगले 3 साल में ये शेयर यहीं से डबल हो जाएगा। तो 2300 रुपए था उस समय, 2300 रुपए से डबल हो जाएगा, ये सारी की सारी बात की थी। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से 2600 रुपए की कहानी, ये तो सारे का सारा जो सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स की डिटेल है वो दिखाऊंगा नहीं आपको। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का वो बन चुका, ठीक है, तो ये भी हमारा सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला, राइट? उसके बाद आप, अब इसके बाद मैं एक और लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ जिसमें 3000 की बात की थी, राइट? वो 3000 भी अचीव हुआ, आइए अब उसे देखें। वाले समय में ये देखिए, इसकी बातचीत हमारी यहां पर हुई थी, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, लेकिन 2319 का रेट था, ये एक और वीडियो है, ठीक है, ये एक और वीडियो, एडिशनल वीडियो। ये टारगेट्स क्या होते हैं, या तो समय बिताएगा और एकदम पहुंचा देगा पूरे के पूरे, ये हमने सुन लिया है। 3000 जाएगा, वो भी अचीव हो गया। तो हर एक लेवल पर मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, 3000 भी अचीव हो गया था, क्या मौका दे तो भैया लेने के बाद। ये देखिए, ये पोजीशन सुनने वाली है कहानी। यहां पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है। ये जो 3000 के टारगेट वहां पर मैंने बोले थे वो बड़ी तेजी से अचीव हो गए। देखो, 1, 2, 3, लगभग 3-4 कैंडल में ही पूरा हो गया, और वहां से ये एक इवनिंग स्टार बन गया था टाइप के, यहां से नीचे आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते थे बस अब यहीं से नीचे आ गया, लेकिन सुनिए मैंने क्या कहा, यहां से नीचे आएगा, मौका देगा खरीदने का, वहां खरीदने का मौका दे तो भैया लेने के बाद फिर से इस पर सवार हो जाओ। और मुझे तो पता नहीं, ये कुछ ऐसी शंका सी हो रही है कि डरा तो इसने दिया कि यहीं से रिट्रेस करेगा, लेकिन पता नहीं मेरे मन के अंदर कुछ ऐसी भावना चल रही है कि इस ट्रायंगल में थोड़ा समय बिताने के बाद कहीं ये 3200 ही जल्दी ना लगा दे। अब सुनने वाली बात थी, वो कैंडल कुछ ऐसी थी जो डराने वाली बात थी कि अब ये बहुत बढ़ गया, अब यहां से नीचे आएगा। लेकिन अब आप यही स्किल देखिए, यही नॉलेज है, यही एक्सपीरियंस है कि वहां पर मुझे लगा कि नहीं, कैंडल भले कुछ भी कह रही हो और इतने बड़ा रेड वॉल्यूम नजर आ रहा है, यानी लोग बेच के निकलेंगे, लोगों ने कहा था भाई आप तो ये नीचे आना शुरू हो गया, तो सोचिए जरा इस बात को। मैंने वहीं पर कह दिया था कि ये यहीं पर थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ऊपर चल पड़ेगा 3200 की तरफ। ध्यान से सुनिए। हाँ जी, सुन रहे मेरी बात? कई यहां से चार्ट कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि यहां से ये सिर्फ हो सकता है धोखा दे रहा हो। हालांकि वैसे इवनिंग स्टार टाइप बन गया ये शेयर की, ये शेयर की जो पोजीशन है ना, ये इवनिंग स्टार वाली है कि जी यहां से तो अब शेयर नीचे आएगा। ये कैंडल ऐसी है, ठीक है, ये सेटअप ऐसा है, यहां पर वॉल्यूम देखो रेड वाला कैसा है, तो ज्यादातर उम्मीद 90% ये है कि ये शेयर यहां से नीचे आके रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन इस ट्रायंगल में टाइम बिता दे वो भी रिट्रेसमेंट है, जरूरी नहीं है कि प्राइस वाइज ज्यादा करे। तो प्राइस तोड़ने की मुझे उम्मीद नहीं थी, वहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होनी थी, टाइम वाइज होना था, और उसके बाद 3200 का टारगेट दिया था। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्राइस वाइज करे, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2900-2800 के आसपास ही ऊपर नीचे करता हुआ एक बार 3200 भी लगाएगा। अब आइए देखिए क्या हुआ, राइट? उस समय ये डिस्कशन नहीं था, आज मैं आपको वही चीज चार्ट पे दिखाता हूं कि जब ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये जब इसने से छुआ था और यहां पर लोग कह रहे थे अब तो बहुत नीचे आएगा, माय डियर फ्रेंड्स ये कैंडल आपके सामने ये रही, मैं उसको मार्क करूंगा, और यहां से लग रहा था कि अब तो भैया नीचे आ गई। ये 3000 की कैंडल पर देखो कितना बड़ा यहां पर ये रेड वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, सेल हो रही है, लोग भाग रहे हैं। मैंने अभी शब्द क्या सुनाया आपको कि ये 2800-2900 के पास आके, ये देख रहे हो, ये यहां से फिर ऊपर चल पड़ेगा और सीधा 3200 पहुंच जाएगा, यही शब्द बोले थे, बोलिए यस और नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि यहां से निकला, रिट्रेस किया और 3200 लगा दिया, अभी इस वक्त 3188 ट्रेड कर रहा है।
3188 और उसमें क्या 3200 में क्या फर्क हो गया, थोड़ा सा ये देखिए कहाँ तक पहुंचा आज, ये लगभग 3190 के आसपास मेरे ख्याल से पहुंच चुका था ये इसका हाईएस्ट, ये 131-196 के आसपास दिख रहा है फिलहाल, हो सकता है कम भी हो, मतलब अब 4-5-10 रुपए क्या देखें इस 3000 के शेयर में, राइट। तो 3200 आज पहुंच गया, आज इसने 3200 रुपए लगा दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचिए जहां पर ये लग रहा था सबको कि अब यहां से नीचे आ जाएगा, ज्यादा रिट्रेसमेंट होगी, वहां पर मेरी मेरी कुछ थिंकिंग और थी, एनालिसिस कुछ और था, और लग रहा था कि यहां से ये धोखा दे रहा है लोगों को और यहां से फिर ऊपर चल पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स आज फिर आपको बता दूं, नया टारगेट आपके सामने लेकर के आ गया हूं, अब यहां से रिट्रेसमेंट जो होगी वो ज्यादा हो ना हो, प्राइस जो है ज्यादा टूटे ना टूटे, टाइम बिता के ये फिर से 3400 की तरफ जाने की तैयारी में है। लार्सन एंड टूब्रो फिर से यहां से 3400 रुपए का टारगेट दे दिया मैंने, अब 200 रुपए और ऐड कर दिए, यहां से 200 रुपए मैंने और ऐड कर दिए, समय बिताएगा, कुछ भी करे निकलेगा ऊपर, ये इसके सामने हमें नजर आता हुआ सीढ़ी दर सीढ़ी ये शेयर चढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में इतना आश्वस्त होने का कारण क्या है भाई, प्रॉफिट्स देखोगे तो पता लगेगा, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट्स, देखो जरा फ्री कैश फ्लो कितने 52,398 करोड़ का है 3-5 साल का, प्रीवियस एनुअल ईयर का 16,124 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इनके पास मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स और बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में हमें बताती हैं कि ये देखो रिजर्व्स कितने हैं, बोरिंग तो ऐसे कंपनी में फिर होती ही हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रॉफिट का लेवल जब लगातार चलता रहे तो देखिए कितनी शानदार कहानी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 22,777 करोड़ रुपया रिसीव किया। सो ये सारी की सारी बातें इस कंपनी की सॉलिडैरिटी को बताती हैं कि भैया कितना शानदार इनका बिजनेस है, बेहतरीन तरीके से ह्यूज लेवल पर ये काम करते हैं, इसीलिए इन पर मेरा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, करते करते इनकी ऑर्डर बुक को चेक करें तो वो बहुत बड़ी है। तो लार्सन एंड टुब्रो का कंप्लीट जो है हमने यहाँ पर आज जो डिस्कशन किया है और टारगेट्स जो हमने अचीव होते देखे, ये माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही गजब की चीज़ थी, बहुत ही शानदार चीज़ थी, और जो हमने सुपर स्टॉक मार्केट कोर्स में डिटेल्स एक्सप्लेन की हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से हम ये सारा का सारा एनालिसिस करते हैं। जो मैंने जीवन में सीखा वो मैं सब कुछ जो है इस पर्टिकुलर कोर्स में डाल चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड्स इसका लाभ उठाइए और जीवन में तरक्की पाइए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।